जो टेक्निकल सेंटर है वो फिलहाल इंडिया में बैंगलोर एंड हैदराबाद में है सो so, इसका जो भी डेटाबेस जो भी सॉफ्टवेयर जो भी बन रहा है सो एवरीथिंग बैगलोर एंड हैदराबाद के ऑफिस में ही बन रहा है सो ऑन पैसिव क्या है ऑन पेसिफिक एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है सो so, जो आपको या किसी भी कंपनी को किसी भी स्टार्टअप कंपनी को या इवन एक इंडिविजुअल डिजिटल ऑन्टरप्रोनर को भी सब काम सुकून से बहुत आसानी से करने को मिलता है विथ ऑल दिस टूल्स सो आते हैं इस कंपनी के सी एंड फाउंडर जो है एश मुफारे सो लास्ट ट्वेंटी ईयर से ये ऑनलाइन बिजनेस पे है आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं गूगल में लिंक इन इंस्टाग्राम एवरीवेयर फाइंड हिम ओके एंड आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इनको ऐसा लगा कि कहीं पे भी एक ट्रस्टवर्दी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है दोस्तों बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो चालू तो होते हैं बहुत नाम भी कमाते हैं लेकिन आफ्टर वाइल ये बंद हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे बिजनेस मॉडल स्कैम्स रहते हैं मैं खुद भी एक स्कैम का शिकार हो चुका हूं एंड देन फाइनली आई क्विट दैट बिजनेस एंड देन आई स्टार्टेड एफिलियट मार्केटिंग एंड आई वॉज सक्सेसफुल देयर एंड देन आई स्टार्टेड दिस ऑनटरप्रोनरशिप जर्नी सो वापस आते हैं ऐश के बारे में ये खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स में इनका मास्टर डिग्री है एंड ऑल्सो ही इज ऑलरेडी अ फाउंडर ऑफ ग्लोबल डोमेन इंटरनेशनल जो जी डी आई के नाम से जाना जाता है आप गूगल कर सकते हो इनके बारे में एवरी डिटेल यू विल फाइंड देयर सो दोस्तों अभी आते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या है यूनिकॉर्न कंपनी वो है जो स्टार्टिंग के दस साल के अंदर बिलियन वैल्यू हो जाता है सो so या दोस्तों हमारा जो ऑन पैसिव है ये ऑलरेडी 3.5 बिलियन डॉलर वैल्यूज है विदाउट इवन लॉन्च मतलब अभी इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ ही नहीं उसके पहले ये 3.5 बिलियन वर्थ है इसका वैल्यू सो ऑलरेडी जब भी भी ये कंपनी लॉन्च होगा ऑलरेडी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगा Netflix को लगा अपने फर्स्ट बिलियन कमाने में दस साल लग गए उनको फर, वन बिलियन कंपनी होने में। Microsoft को सेवेंटी नाइन yes, साल लग गए वन बिलियन कंपनी होने में सो so, दोस्तों यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कंपनी कितना बड़ा होने वाला है ऑलरेडी थ्री पॉइंट फाइव बिलियन विदाउट इवन लॉन्चिंग इनका सॉफ्टवेयर अभी भी प्रिपरेशन में है जो बैंगलोर एंड हैदराबाद के ऑफिस में बन रहे हैं इंडियन इन पे काम कर रहे हैं सो so, जो पांच डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पे ये काम करने वाला है ऑन पैसिव ऑन जो काम चल रहा है वो है ए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ब्लॉक चेन प्रिंटिंग वर्चुअल रियलिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सभी को डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब जो आने वाले टाइम पे एकदम भूचाल मचा देगा दैट मीन्स पूरे दुनिया इसको यूज करने वाला है अभी आपको दिखाते हैं कि ऑन पैसिव इको क्या है ये जो ऑन पैसिव इको आप देख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से लेके डोमेन नेम से लेके ए से लेके डिजिटल मार्केटिंग से लेके आईपी ट्रैकर डिजिटल मार्केटिंग एवरीथिंग ये पूरा एक सॉफ्टवेयर का इको है जो एक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत काम आता है नॉट ओनली दैट कोई भी आई कंपनी में जाइए आप कोई भी कंपनी में आप खुद भी जाइए तो उसमें आपको कुछ ही सॉफ्टवेयर बस मिलते हैं बाकी सब आपको अलग से लेना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको नया वेबसाइट के लिए आपको डोमेन नेम के लिए आपको जाना पड़ेगा गोडेडी में देन आपको डेली फनल के लिए आपको क्लिक फनल में जाना पड़ेगा देन ऑल्सो आपको व, वीडियो कॉल के लिए जाना पड़ेगा जूम पे तो सब अगर आप सब्सक्राइब करने जाओगे तो किसी का फोर्टी डॉलर किसी का ट्वेंटी डॉलर ऐसे करके आपको इट विल बी अमाउंट तो ऑन पेफिक इको सिस्टम क्या करते हैं वन स्टॉप इधर पे सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल करते हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग में जरूरी होता है तो आने वाले समय में शायद आपको गूगल में भी जाना ना पड़े क्योंकि सारा चीज तो इधर ही मिल रहा है so, सो अभी आते हैं दोस्तों गो फाउंडर और ऑन पेसिफ ये दो क्या चीज है दोनों एक है या दोनों अलग है उसके बारे में बात करते हैं सो ऑन पेसिफ है जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाता है जो एक सॉफ्टवेयर का इको बना रहा है, है वो है ऑन पेसिफ आई कंपनी एंड जो गो फाउंडर है वो है ऑन पेसिफ का ही एक मार्केटिंग कैंपेन ये जो गो फाउंडर्स प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर वन स्टॉप आपको मिलने वाला है नॉट ओनली दैट फ्यूचर में जितने भी कस्टमर्स जितने भी क्लाइंट्स आने वाले हैं सबका बेनिफिट हम गो फाउंडर्स को ही मिलने वाले हैं क्योंकि सब क्लाइंट गो फाउंडर के नीचे ही आएंगे और सारे प्रॉफिट हमें ही मिलने वाले हैं सो करेंटली आप भी गो फाउंडर बन सकते हो एंड बनने के बाद आप किसी को भी आपके दोस्त आपके फैमिली मेंबर किसी को भी आप इन्वाइट कर सकते हो एंड ऑल्सो अगर आपको किसी को इन्वाइट नहीं करना है तो आप ना भी कर सकते हो उसका इसके साथ कुछ लेना देना है नहीं तो अभी आते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप एक गो फाउंडर बनते हो तो गो फाउंडर बनने के लिए आपको वंस इन टाइम पे करना पड़ेगा नाइनटी सेवन डॉलर ओनली मतलब आई पे नाइन जीरो एट सिक्स रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा तो बेनिफिट क्या है तो बेनिफिट यह है कि अर्ली इन्विटेशन बिफोर द जनरल पब्लिक दैट कि कि ऐसा मान लो आप फेसबुक या गूगल कोई कंपनी है जो लॉन्च करने वाला है एंड उसके पहले ही आप इसका एज अ फाउंडिंग मेंबर हो के बैठे हो. मतलब फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे प्रायोरिटी पोजिशनिंग मतलब कभी भी आप एज अ गो फाउंडर ज्वाइन करते हो तो आपका एक पोजिशन इधर कंपनी में सेट हो जाता है उसके हिसाब से आपका फ्यूचर में बेनिफिट या कैश फ्लो या कमीशन जनरेट होगा उंडर हो तो आपको सब सॉफ्टवेयर सब कुछ में प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा एवरी सॉफ्टवेयर एनीथिंग नॉट ओनली दैट में आप हो गए एंड ऑल्सो वोट फीडबैक आप दे सकते हो नॉट ओनली दैट ये तो इनका सारा बेनिफिट है लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो चीज लगा वो है कैंपेन रोटेटर इसका मतलब ये है कि कंपनी आप के में ही मार्केटिंग कैंपेन रिक्रूट सेल ये सब कुछ कंपनी करेगा तो जब ऑन लॉन्च होने वाला रहेगा उसके सात दिन तक हमें एक फ्री ट्रायल मिलेगा जब आप सारे सॉफ्टवेयर टेस्ट करके देख सकते हो नॉट ओनली दैट आपका फीडबैक भी बहुमूल्य रहेगा सात दिन के बाद जो नए लोग आएंगे उनको एज अ क्लाइंट और रिसेलर कहा जाएगा उनके ज्वाइन होने से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो सारे के सारे गो फाउंड को ही मिलेंगे ये जो ये जो कस्टमर आएंगे ये पूरा चीज ये पूरा सेल जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑटो पायलट मोड है मतलब आपको कुछ सेल नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा कंपनी आपके बिहाफ में ही मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग करेगा एंड ऑल्सो जितने भी क्लाइंट रिसलर ज्वाइन होते हैं उनका एक कमीशन आपके पास ही आएगा हम लोग कमीशन पैकेज पे आते हैं तो इन शॉर्ट आप 97 सेवन डॉलर पे करके गो फाउंडर बन रहे हो इस कंपनी ऑन का कंपनी लॉन्च होने के बाद आपको ये पैकेज ओनली वंस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके बाद ही आपका रिकरिंग मंथली पेमेंट ऑटोमेटिक आता रहेगा वो सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना होता है आइए हम नेक्स्ट में बातें करते हैं उसके बारे में तो दोस्तों ये है इसका कंपेन्सेशन प्लान तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो सब्सक्रिप्शन फी है ये इधर पे दिया हुआ है चार ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड डॉलर सो मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू विल बी अराउंड हंड्रेड डॉलर के आसपास ही रहेगा तो आपको सिर्फ इस कंपनी का गो फाउंडर होके बैठ जाना है एंड ऑल्सो ओनली वंस आपको आउट ऑफ पॉकेट ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा काइंड ऑफ हंड्रेड डॉलर के आसपास देके तो इस पे आपको क्या मुनाफा मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी बोल रहा है कि एवरी मंथ एवरी लेवल पे आपको तीन मेंबर ये ऑटोमेटिक देता रहेगा नॉट ओनली दैट ये जो नए तीन मेंबर आए उनको भी तो नेक्स्ट मंथ और तीन देना पड़ेगा कस्टमर ये पूरा चीज ऑटोमेटेड ए आई प्लेटफॉर्म से मेंटेन होगा कंपनी ही आपका मार्केटिंग करेगा कंपनी रिक्रूट करेगा कंपनी सेल करेगा जस्ट लाइक like, आप ऐसा सोच लो कि फेसबुक जूम इधर कितने सारे लोग रोज रजिस्टर कर रहे हैं रोज सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जूम का तो वैसे ही ऑन पेसिफिक का भी सेम ए आई ऑटो पायलट मोड है जितने भी रिसलर आएंगे जितने भी क्लाइंट आएंगे वो आपके नीचे ऐसे ऑटोमेटेड वे में ऑटो पायलट मोड में जुड़ता जाएगा तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेवल पे तीन उसके बाद तीन मेंबर का और भी तीन तीन ऐसे करके नौ सत्ताईस ऐसे करके आपका ट्वेंटी फाइव डॉलर का सब्सक्रिप्शन के हिसाब से सिक्स डॉलर ट्वेंटी सेवन डॉलर फिफ्टी फोर डॉलर ऐसे करके बढ़ते बढ़ते एकदम लास्ट में टेंथ मंथ पे टेंथ लेवल पे आप देख सकते हो फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी नाइन डॉलर बनता है इसका आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो वन जीरो एट थ्री जीरो थ्री डॉलर बनता है जिसका इंडियन मनी पे काइंड ऑफ सेवेंटी फाइव लैख रुपीज बनता है तो ये तो गया ट्वेंटी फाइव डॉलर के हिसाब से दोस्तों अगर पैकेज हंड्रेड डॉलर के आसपास रहेगा तो आपको बेनिफिट भी उतना ही फोर टाइम्स ही मिलेगा तो अभी हम लोग एकदम लास्ट पे कंपेयर कर लेते हैं कि करेंट मॉडल और ऑन पैसिव मॉडल में क्या डिफरेंस है सो so, आप सभी देख सकते हो कि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए, एफिलेट मार्केटिंग बोलिए या किसी भी बिजनेस पे ऑलवेज एक कंपटीशन रहता है लेकिन ऑन पैसिव में सबको म्यूचुअल बेनिफिट ही मिलेगा चाहे वो टू में ज्वाइन किया या टू में सबको इक्वल म्यूचुअल बेनिफिट ही मिलने वाला है ऑल्सो इंटरनेट पे बहुत सारे बिजनेस है जो स्कैम्स है 97% बिजनेसेस परसेंट बिजनेस आर स्कैम्स जहां पे कोई रियल बिजनेस रियल प्रोडक्ट रियल पीपल नहीं मिलेगा लेकिन ऑन पैसिव एक खुद एक रियल बिजनेस प्रोडक्ट ऑल्सो बाकी सारे बिजनेस में देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेलिंग आपको सेलिंग करना पड़ेगा आपको रिक्रूट करना पड़ेगा आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए लेकिन ऑन पैसिव में ये सारा कुछ आपको कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी आपके बिहाफ में ये सब कुछ कर रहा है एज आप खुद 97 सेवन डॉलर पे कर रहे हो कंपनी को मार्केटिंग एंड रिक्रूट एंड सेलिंग करने के लिए ही तो बाकी बिजनेस में भी आप जो जो टूल यूज करते हो जैसे कि जूम जैसे कि व्हाट्सएप जैसे कि एवरीथिंग फेसबुक आप कुछ भी वीडियो कॉलिंग के लिए वीडियो चैट के लिए वेबिनार के लिए कुछ भी आप यूज करते हो सारे के सारे टूल आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दे ही लेना पड़ता है जबकि ऑन पे खुद एक इको एक है सारे के सारे चीज आपको इधर ही मिलेंगे बाकी बिजनेस में नो गारंटी आप ज्वाइन कर जाते हो उसके बाद कब कितने महीने में कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा कितने लोगों को आप सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा कोई कुछ का गारंटी नहीं है किसी को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है तो किसी को एकदम जीरो बट इधर ऑन पेफिक में आपको हंड्रेड परसेंट मनी बैक गारंटी मिलेगा एनी टाइम आई रिपीट एनी टाइम सो यस दोस्तों फाइनली एक ऐसा बिजनेस है जो खुद ही ऑटो पायलट मोड बिजनेस रन करेगा हमें जस्ट एज अ गो फाउंडर होके ज्वाइन कर लेना है एंड वंस इन टाइम एक बार हमें सब्सक्राइब करना है उसके अलावा कोई भी फीस जरूरत नहीं है कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका टैलेंट होना चाहिए आपका